अरहम हिलाओ नहीं। लाइट एंड इफेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाए। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फने तामीरात को चार चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी दीनी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के रूप में एक काबिले कदर किरदार अदा कर रहे हैं। ये दिल फरेब मनासिब एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स की हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म व फन, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात के लिए। ये दिलकश मनाज़र स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायर फ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए हैं।
मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोखों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाजों पुरपेज गलियों पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं नखलिस्तानों ऊंटों और गिरों के साथ अपने महलों कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकामों झोंकों और झलकों के साथ साथ इस शहर में पहुँच महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से करीब और बाहर से जुड़ी हमारा बहावत पाकिस्तान के सीने में दिल के आबासी खानदान के तमाम घरानों की तस्वीर वमा दौरे हुकूमत नूर लाल की इमारत पर अपनी हाथ रखा नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में आबासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में डाली। बगदाद के पारा पारा होने के बाद आबासी खानदान मिस्र सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत किया। रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बिराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की हेड इस्लाम और हेड पन्नत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़रात को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की हमासी है। यहाँ पर यह बात भी काबिले जिक्र है कि सिंध दास मुहाइदे के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे इंडस क्वीन का नाम दिया गया। मुसलमानों ने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानों ने बड़े सगीर की लाजवाब कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है।
नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इलाहाब के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक्ष्य दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोजे रोशन की मानी आया। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई टकूटा प्लेन और रोल्स रॉयस की मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर हैं। इलाकई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसाए दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपना दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां नया सकाफती